देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 11.1 में थे, और ये एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी की बुक में 8.4 है। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे यूज होंगे भाई। कुछ तो हमने पहले पढ़ रखे हैं और कुछ हमने नए पढ़े हैं। पहले कौन से हैं? साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1 होगी अगर एंगल आपका सेम हो। सेम टू सेम कोस और सिकेंट की मल्टीप्लाई भी 1 होती है। टेंजेंट और कोटेंजेंट की भी मल्टीप्लाई 1 होती है। उसके बाद टेन थीटा होता साइन अपॉन कोस, कोस होता कोस अपॉन साइन। उसके बाद तीन हमने ये पढ़े, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, कोस का उल्टा, उल्टा मतलब 1/cos सिकेंट होता है, और सिकेंट का उल्टा यानी 1/sec कोस के इक्वल होगा, कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट होता है। उसके बाद तीन अपनी ये कौन है भाई? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। पहली कौन? साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इक्वल टू 1। सेकंड कौन? सिकेंट स्क्वेयर माइनस में टेन स्क्वेयर इक्वल टू 1। और थर्ड वन कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये आपको घुमानी आनी चाहिए। उसके बाद जो 11.1 है ना, उसमें हमने क्या चीज पढ़ी कि जब भी आपने कोई रेशो इक्वल टू रेशो प्रूव करनी हो तो चार या पांच बातें आपको ध्यान रखनी है। चार या पांच बातें कौन कौन सी भाई? सबसे पहली, अगर डिवाइड में एक टर्म हो ना तो आप अलग अलग करोगे, क्या करोगे? अलग अलग डिवाइड में करोगे। सेकंड, जहां तक पॉसिबल हो एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने मतलब अगर मान ले पावर हो तो पावर को खोल दियो, दो के मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप साइन कोस में चेंज करोगे। उसके बाद भाई फोर्थ भाई, अगर डिवाइड में 1 + sin, 1 - sin, 1 + cos या 1 - cos हो तो हमेशा आप क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे। और फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने प्रूव करना है ना, आपने उसको देख देख के बनाना है कि उसको आप कैसे बना पाओगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना 14 हमने कर लिया, अब तुम पढ़ो 15। तो 15 में हमने प्रूव करना है भाई, 2 * 1 + cot² 1 + cot² थीटा इनटू में टेंजेंट थीटा डिवाइड में कौन? sec² थीटा इक्वल टू, हमने प्रूव करना भाई cot θ इक्वल टू जो है ना कोट थीटा हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। ना तो रूल ये कि लेफ्ट उठानी है, ना रूल ये कि आपको राइट ही उठानी है। जो बड़ी साइड है ना वो उठाओगे, तो बड़ी आपकी लेफ्ट है तो लेफ्ट ही उठाओगे भाई। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 + cot² θ इनटू में कोण? टेंजेंट थीटा डिवाइड में भाई sec² θ लिखा हुआ है। अब वैसे आपको फॉर्मूले आने चाहिए, डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है 1 + cot² 1 + cot² कौन होता है? कोसेकेंट स्क्वेयर होता है भाई। तो लिखो भी तो इसकी जगह तो कौन आ जाएगा? कोसेकेंट स्क्वेयर इनटू में कोण? टेंजेंट। और डिवाइड में कौन है भाई? सीकेंट स्क्वेयर है। पर प्रूव तो हमने कोट करना है ना, अब बताओ क्या करना पड़ेगा? और जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि इसके बाद मैं क्या करूं, तो साइन कोस में चेंज करोगे, करो चेंज भाई। तो ये आपका बनेगा कोसिकेंट थीटा, क्या होता है? 1 / sin, पर स्क्वेयर है ना तो स्क्वेयर तुम भी लिखोगे। इनटू में भाई टेंजेंट थीटा क्या होता है? sin / cos, टेंजेंट मेरा होता है sin / cos।
और नीचे सिकेंट स्क्वेयर है, तो सिकेंट होता है 1/cos, पर स्क्वेयर है ना, तो 1/cos² बनेगा। अब ये ऊपर जाकर आपका पलट देगा भाई, यानी आपका बनेगा ये तो भाई ऊपर 1/sin² इनटू में कोण साइन अपॉन कोस, ये तो भाई ऊपर और ये ऊपर जाकर पलट देगा, यानी कोस के ऊपर ये वन नीचे होगा और नीचे वन लिखा ना लिखा बराबर बात। अब यहाँ देखो एक साइन आपका कैंसिल हो गया, एक कोस आपका कैंसिल हो गया, यानी कोस अपॉन साइन बचा। क्या होता है कोस अपॉन साइन? कोस अपॉन साइन होता आपका भाई कोट थीटा, और वही हमने प्रूव करके दिखाना है, यानी कुछ खास है नहीं भाई। पहले तो आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ ना वो पुट करो, उसके बाद आपको लग गए कि अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो साइन कोस में चेंज करो, चौकट काटो, आंसर मैच होगा। और देखो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब तुम पढ़ो 16th पढ़ो भाई। हाँ आपका जो ध्यान है जो आपको प्रूव करना है उसके ऊपर होना जरूरी है भाई, उसको देख देख के ही बनेगी बात इसमें। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना एक बार, तो 16 में हमने प्रूव करना है भाई, क्या प्रूव करना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने प्रूव करना भाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू में कोण साइन स्क्वायर थीटा भाई, ये हमने प्रूव करना है। टेन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूव करना है, और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट आपने प्रूव करनी है। और नॉर्मली हम जो है लेफ्ट उठाते हैं तो उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ भाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोण साइन स्क्वायर थीटा में, और हमने प्रूव करना है मल्टीप्लाई में, तो बोलो क्या करें। देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो साइन कोस में चेंज करो, बस सोचना ही नहीं। तो टेंजेंट स्क्वायर कौन होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर होता है भाई साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर माइनस में कोण साइन स्क्वायर, और आपका जो ध्यान है वो इसके ऊपर होना जरूरी है जो आपने प्रूव करना है, जो आपने प्रूव करना है ना उसमें साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर यहाँ तो कॉमन लो, फिर कॉमन आओ भी है लेना कॉमन एक बार, तो अंदर बचेगा भाई यहाँ तो बचेगा 1/cos² माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, इसके बाद एलसीएम लोगे और तो क्या करोगे, लेना एक बार एलसीएम भाई, ये तो बाहर है ही मेरा साइन स्क्वायर तो बाहर है, कौन होगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका बनेगा भाई कोस स्क्वायर थीटा, इसे यो कैंसिल हो गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की 1 की मल्टीप्लाई, यानी कोस स्क्वायर ही बनेगी। अब करना सिंपलीफाई भाई, तो ये आपका बनेगा, ये तो भाई मेरा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर मेरा होता है भाई साइन स्क्वायर डिवाइड में कौन है यो कोस स्क्वायर है भाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो भाई साइन स्क्वायर तो मेरा है ही भाई साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, या आपका होता है टेंजेंट स्क्वायर, क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर, और वही हमने प्रूव करना है। तो सारा कुछ जो है ना वो देख देख के ही बनेगा, देख देख कर नहीं, और एक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप साइन कोस में चेंज करो, उसके बाद उसको सोल्व करो, बनेगी बात जो हमने प्रूव करना है। तो टेंजेंट स्क्वायर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, मेरा ध्यान इसके ऊपर है, मैंने साइन स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर मैंने यहाँ तक कॉमन ले लिया, बाकी जो भी बचे उसको सोल्व करें तो वहां से जो टेन स्क्वायर बन गया मेरा।
और देखो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, अब तुम पढ़ो 17 भाई। देखो जो 17 है ना, 17 में हमने प्रूव करना है सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें प्रूव करना भाई सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा इनटू में कौन, सीकेंट थीटा माइनस में कोस थीटा, सीकेंट थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल टू प्रूव करना भाई टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा भाई, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर ये हमने प्रूव करना भाई। तो प्रूव मतलब लेफ्ट इक्वल राइट ही है, और नॉर्मली आप क्या उठाते हो, लेफ्ट ही उठाते हो भाई, उठाओ लेफ्ट हैंड। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा इनटू में भाई सीकेंट थीटा माइनस में कोस थीटा। अब करो सोल्व, क्या बेस बता था, अगर दो की मल्टीप्लाई हो या कोई पावर वगैरह हो तो आप उसको खोलोगे यानी एक्सपेंड करोगे। दो की मल्टीप्लाई है ना तो करो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जो है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लिखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी सिकेंट स्क्वेयर माइनस में कोण कोस स्क्वेयर, यही बनेगा सिकेंट स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर बनेगा। पर प्रूव तो हमने क्या करना भाई, टेंजेंट स्क्वेयर प्लस कोस साइन स्क्वेयर प्रूव करना है, और वो तो हमने क्या करना है टेंजेंट स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर। और मैंने आपको स्पेशली बोला है जो आपने प्रूव करना है ना, अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आप प्रूव कर ही नहीं पाओगे। मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर, चाहिए मुझे टेंजेंट स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर। अब देखो जो सीकेंट स्क्वेयर है ना उससे तो टेन स्क्वेयर बन जाएगा, जो कोस स्क्वेयर है ना उससे साइन स्क्वेयर बन जाएगा, ये फॉर्मूले रहे। क्यों, क्योंकि जहां पर सिकेंट स्क्वेयर है वहां लिख सको हो वन प्लस टेन स्क्वेयर, लिखो भी तुम जहां पर सिकेंट स्क्वेयर वहां क्या लिख पाओगे वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर, क्योंकि मेरे को सिकेंट स्क्वेयर नहीं टेंजेंट स्क्वेयर चाहिए, तो इससे चेंज हो जाएगा और साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर तो बन जाएगा। क्यों, क्या होता है कोस स्क्वेयर वन माइनस साइन स्क्वेयर, और इसकी जगह लिख पाओगे वन माइनस साइन स्क्वेयर, पर बाहर माइनस है ना तो इसके साइन भी चेंज होंगे यानी माइनस वन प्लस साइन स्क्वेयर, माइनस वन प्लस साइन स्क्वेयर, प्लस वन तो माइनस वन कैंसिल हो गया, तो आपका बनेगा भाई टेंजेंट स्क्वेयर प्लस में कौन साइन स्क्वेयर यानी इक्वल टू कौन आगे राइट हैंड, और वही हमने प्रूव करना है। तो वही आपका जो ध्यान है वो जो भी हमने प्रूव करना है ना उसके ऊपर होना जरूरी है, उसी से बनेगी बात है। जो 18 है ना, अब 18 तुम करोगे भाई, क्योंकि अब 18 जो है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब तुम पढ़ो 19 भाई, पढ़ने का 19 में जो है ना हमने प्रूव करना भाई सीकेंट ए इनटू में कौन वन माइनस साइन ए इनटू में कौन सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू वन प्रूव करना भाई।
और प्रूडेंट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, राइट में तो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो लेफ्ट ही उठानी पड़ेगी, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में लिखा हुआ सिकेंट ए इनटू वन माइनस साइन ए इनटू में कौन है भाई, सिकेंट ए प्लस में टेन ए, सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब देखो भी तो करो सोल, इक्वल टू वन लेके आना है, बताओ क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताना कि अगर फैक्टर हो ना यानी दो के मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आप डायरेक्ट ही करोगे मल्टीप्लाई, अगर आप जो मल्टीप्लाई है ना वो डायरेक्ट ही करोगे तो मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अलग अलग चीज है। तो पहले आप इसको साइन कोस में चेंज कर लो, उसके बाद कर लेना, आसान हो जाएगा भाई करने। एक बार सिकेंट क्या होता है, वन बाई कोस ए इंटू में कौन है यो, वन माइनस साइन ए, सिकेंट होता है मेरा वन बाई कोस ए प्लस टेंजेंट कौन होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। अब एलसीएम लोगे यहां, ये तो है ही मेरा वन अपॉन कोस ए तो है, इनमें कोई फिक्स रूल कौन है कि आपको हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा, कई क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल प्रैक्टिस था होंगे। इसका एलसीएम होगा कोस ए, अब कोस तो कट जाएंगे, वन प्लस साइन ए आ जाएगा, वन प्लस, और अब करो मल्टीप्लाई, अब आसान होगा, कोस ए कोस ए की मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए, ऊपर देखो a माइनस बी और a प्लस बी है, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर वन माइनस साइन स्क्वेयर a, क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर भी, अपॉन में भी कौन है कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर तो कोस स्क्वेयर a कैंसिल हो गया, यानी इक्वल टू कोण वन, यानी इक्वल टू कोण राइट हैंड साइड, वही हमने प्रूव करना है। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।